सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर शिद्दत से देखे जाएं तो। गाइस, लास्ट ईयर में इसी समय पे ऑलमोस्ट मैंने आपको अपने सपनों का घर दिखाया था, और इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा ऑफिस, यानी कि A2 मोटिवेशन का ऑफिस, जहां से हम अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भरेंगे। तो चलिए सपनों की उड़ान को भरते हैं और A2 सर का ऑफिस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले घर के अंदर आते ही सामने आपको ये वॉल दिखेगा। ये वॉल हमने स्पेशली करवाया, जब हम यहाँ पर कोई शूट कर रहे हो तो हमने यहाँ पर ब्लू और येलो कलर का वॉल करवाया है, जो कि बैकग्राउंड में अच्छा दिखे, इसीलिए हमने ये करवाया। और उसके ऊपर हमने A2 मोटिवेशन का लोगो लगवा दिया है ना, आप लोगों ने ये लोगो देखा होगा, मेरा तो फेवरेट है, शायद आप लोगों का भी फेवरेट होगा। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की वजह से सारे के सारे जो एम्प्लॉयज थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम बेंगलोर आके हमारे साथ काम करे। इन दैट केस हमने यहाँ पर किचन बनवा दिया है, धीरे धीरे यहाँ पर मैं सारी फैसिलिटीज कर दूंगा और वह यहाँ पर बैठ के खाना भी खा सकते हैं आराम से। और उसके बाद हमने वहाँ पर सिटिंग एरिया बनवाया है, सो ये सिटिंग एरिया है जहाँ पर एम्प्लॉयज बैठ के अपना काम कर सकते हैं, जो डेली टास्क होता है। सो दिस इज द प्लेस वेयर A2 फैमिली मेंबर्स स्पेशली एम्प्लॉयज कैन सिट एंड डू देयर वर्क। और उसके बाद चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ, लेकिन ऑफिस में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कॉर्नर दिखाता हूँ। उसको एक बुक शेल्फ का हमने एक रूप दे दिया है, तो ये कितना प्यारा, कितना सूदिंग है। और ये बनाया है सागर ने, जो कि हमारे कारपेंटर वर्क किया है, यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं वो सागर ने किया है। सो बहुत अमेजिंग है ये, और ये बुक्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी हम लोग ढेर सारी बुक्स यहाँ पर रख देंगे। अब हम चलते हैं हमारे ऑफिस की तरफ, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। सो आ जाओ हमारे ऑफिस में। मेरे ऑफिस की खास बात कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी नया नया बना है, और सबसे खास बात मेरे ऑफिस की है डायमंड प्ले बटन। सो यस, जो डायमंड प्ले बटन हमने जीती थी, वो डायमंड प्ले बटन आपको वहाँ पर दिख रही होगी, और ये शोकेस करता है हमारे ऑफिस में, जो कि किसी भी मेहमान के लिए, देखो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे चैनल को डायमंड प्ले बटन मिला है, और वही डायमंड प्ले बटन हमने यहाँ रख दिया है, ताकि कोई भी आए उसे निहार सके, उसके साथ फोटो ले सके, मन लगा रहा है। और मैं यहाँ पर बैठकर शिद्दत से काम करता रहूँ और A2 मोटिवेशन फैमिली को आगे बढ़ाता रहूँ, ये इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न है। और अब हमारे ऑफिस की सबसे मोस्ट अवेटेड, सबसे खास चीज़ की तरफ चलते हैं, हमारा यहाँ का स्टूडियो, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, लाइव सेशन जो भी आप देखते हो वहीं पे करने वाले हैं। सो चलो मैं आपको अब स्टूडियो दिखाता हूँ, जो मेरे ख्याल से हमने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से बनाया, बहुत प्लान करके बनाया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 7 साल से, 2014 से मैं यूट्यूब पे हूँ। आई रियली लव लाइव सेशंस और रिकॉर्डिंग करने में, मतलब मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो जितना 7 साल का एक्सपीरियंस था उससे मुझे जो फील हुआ कि मुझे किस तरह का स्टूडियो चाहिए, पहले उसको प्लान किया गया, फिर उसके बाद उसको बनाया गया, और फाइनली वो पूरा तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तैयार किया गया है। दिस इज द एंट्री पार्ट, और यहीं से आपको सारी फुटेजेस, वीडियोज एंड आउटपुट मिलते हैं। सो चलो देखते हैं कैसे प्लान किया है स्टूडियो को, जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं बड़ी बारीकी से दिखाऊंगा। जो YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में उनको भी ऐसे स्टूडियोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे अपने स्टूडियो को प्लान करें उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अकोस्टिकली मैंने एक ऐसा स्टूडियो बनाया, मुझे पुराने स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम था ना, एको प्रॉब्लम आता था, बहुत ज़्यादा एको आती थी, साउंड आता था बाहर का। स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, तो पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये था। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि जितने भी वायर्स होते हैं, जो पुराना स्टूडियो था उसमें वायर नीचे दिखती रहती थी, तो मैं चाहता था कि सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% वायर्स अंदर हों, है ना, जमीन पर तो वायर दिखे ही नहीं। फिर उसके बाद हमने बनाया एक वॉल ऑफ फेम जहां पर हमारी प्ले बटन्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हमने उसको प्लान किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप वॉल्स देख रहे हैं, तो हमने यहां पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक, यू नो, प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है, बाहर की आवाज अंदर आ ही नहीं पाए, मुझे डिस्टर्बेंस हो ही नहीं, उसका प्लान किया है। तो उसके लिए बहुत सॉलिड प्लान किया है, जो कि ट्रिनिटी बैंगलोर की एक कंपनी है, उनसे हमने ये सारा काम करवाया है। विक्टर जी, थैंक यू सो मच,
यू नो मेरे स्टूडियो को जो मैं सिर्फ सपनों में देखा करता था उसको हकीकत बनाने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मुझे चाहिए था कि मैं लाइव सेशन लूं चाहे ग्रीन स्क्रीन। तो पुराने स्टूडियो में क्या था कि मैं स्क्रीन के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन होती थी उसके ऊपर ही मैं क्या करता था प्रेजेंटेशन में ग्रीन खोल लेता था, जिससे ना थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम होती थी, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, ग्लेयर्स आते थे। तो अभी हमने क्या किया, ये कर्टन लगवा दिया है। और कर्टन भी ऐसा खास लगवाया है ताकि वॉल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके। तो कैसा है ये, एक्चुअल में देयर इज अ रिमोट और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही खास हमने मोटर लगवाई है और यहां पर जब मैं चाहूं इसे अप और डाउन कर सकता हूं। तो अभी डाउन है तो मैं आपको दिखाता हूं अभी। यस, सो फाइनली आप देखिए इसे ध्यान से। सो इस तरह से आप इसे अप करिए, जब लाइव सेशन लेना हो तो आपको बैक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अभी अप हो रहा है, पूरी अपने आप अपने तरीके से फोल्ड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक ही वॉल पे ग्रीन कर्टन लगवा लिया, उसी वॉल पर हमने ये स्क्रीन लगवा ली। ये स्पेक्ट्रोन की स्क्रीन है जो कि मेरे पास पहले से ही थी, तो उसको हमने वॉल माउंट कर दिया यहाँ पे। तो आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया, एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया जहां से लाइव सेशन ले सकते हैं, और उसी वॉल पे क्योंकि ये पूरी तरह से कमरा बंद है सो हमने एसी भी वहीं वॉल माउंट करवा दिया। सो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमने यहां पर किया है। अब आते हैं स्पेशली लाइटिंग, क्योंकि होता क्या है जब आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए, जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए। तो उनका अरेंजमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बाकी जो दोनों वॉल्स हैं वहां पर, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये वॉल्स पर हमने क्या किया, यहां पर लाइट अरेंजमेंट लाइटिंग, यहां पर ये जो ये फ्लैश लाइट होती है ना, उसको हमने यहां पर चार यहां पर लगवाई हैं, चार वहां पर लगवाई हैं, और इन्हीं चार चार जो लाइट्स हैं, स्पेशली ये जो लाइट जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, फोकस करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऊपर आप देखेंगे तो हमने स्पेशल लाइट्स ऊपर लगवाई है, जब मुझे लाइव सेशन लेने होंगे ग्लेयर ना पड़े उसके लिए हमने ऊपर यहां पर लाइट्स का अरेंजमेंट किया है जिससे मेरे पर फोकस पड़े। एक और खास चीज मैंने यहां पर लगाई है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। हुआ कुछ यूं कि देखिए मुझे सेशन लेने हैं तो यहां पर मुझे एक टेबल चाहिए था, बैठ के लेना चाहूं तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए, खड़े होकर लेना चाहूं तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए, कभी कभार मुझे माउस यूज करना पड़ता है तो यहां से मैं डायरेक्टली ऊपर स्क्रीन लगा हुआ वहां से मैं अपने पूरे आउटपुट को एडजस्ट कर सकता हूं, देख सकता हूं। तो ये टेबल मैंने लगवाई है और आप इसे अप भी कर सकते हैं, इजीली ये अप हो जाती है, इस हाइट तक जाती है। तो देखिए मैं आराम से बैठ के सेशन ले सकता हूँ, खड़े होकर सेशन ले सकता हूँ, मैं अपने आउटपुट को यहाँ पे माउस से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर ली। और पता है शुरू में ज़रूर लगता है कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, लेकिन जब मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे साथ अब इतना मुझे इतना समय बचता है, सारा चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, तो इतना समय बचता है तो आज मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पे किया है बट उसका आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी स्टूडियो बनवाएं तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। अब मैं दिखाता हूं आपको वॉल ऑफ फेम। मैं चाहता था कि मेरे स्टूडियो में वॉल ऑफ फेम हो। आपको पता होगा कि हमने एक डायमंड प्ले बटन जो कि ऑफिस में देखी थी, उसके अलावा 3 गोल्डन प्ले बटन और 9 सिल्वर प्ले बटन हम लोग जीत चुके हैं। तो ये है वॉल ऑफ फेम जहां पर हमने 3 गोल्डन प्ले बटन और 8 सिल्वर प्ले बटन लगाई है जो आपको दिख रही होंगी। तो ये सारे सिल्वर प्ले बटन आपको दिख रहे होंगे तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे कितने सारे चैनल्स हैं जो कि हमारी टीम रन करती है, बट वो हमारी टीम है जो कि इतना हार्डवर्क कर रही है और उनकी वजह से ये वॉल ऑफ फेम, ये हॉल ऑफ फेम जो आपको दिखाई दे रहा है वो उनकी वजह से है। सो क्रेडिट गोज टू A2 मोटिवेशन टीम। फाइनली स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर इस स्टूडियो में लगवाई है। प्रॉम्प्टर है, यहाँ से स्क्रिप्ट दिखती है जो कि आप सीधे सीधे पढ़ सकते हो, और ये बेसिकली ये पूरा जो प्रॉम्प्टर है जिसमें स्क्रिप्ट है, अप डाउन करने के लिए रिमोट भी होता है, आप रिमोट के थ्रू उसे कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को जितना आपने पढ़ा है। तो इस तरह से प्रॉम्प्टर भी मैंने लगवा लिया। सो ओवरऑल प्रॉम्प्टर है, लाइटिंग स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन और ऑडियो का पूरा सिस्टम, ये ऑटोमेटेड स्टूडियो मैंने बनवाया है और इसमें मेरी मदद की है नो डाउट ट्रिनिटी अकोस्टिक, बैंगलोर की एक कंपनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो वहां से आप भी विक्टर से कॉन्टेक्ट करके अपने स्टूडियो का सपना पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट रूम की तरफ। तो ये छोटा सा रूम है जो कि हम लोग मीटिंग के लिए यूज़ करेंगे या फिर हमारे यू नो डेली डिस्कशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
टॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में ये भी प्लान है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज को हम लोग बुलाते हैं तो यहाँ पर इस कमरे को, इस रूम को मैं इस तरह से डिजाइन करवा लूंगा ताकि यहाँ पर हम लोग टॉक शो भी होस्ट कर सके। सो ये था आपके A2 मोटिवेशन, यानी कि आपके A2 सर का छोटा सा ऑफिस। आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें इसमें से अच्छी लगी होंगी। मेरा सवाल आपसे ये कि आपको सबसे अच्छा इस पूरे ऑफिस में क्या लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन फ्यूचर जब आप यूट्यूबर बन जाएंगे और जब आपको लगेगा कि आपको भी ऐसे प्लेस की जरूरत है तो आप इसमें से कौन सी चीज अडॉप्ट करके अपने ऑफिस में लगाना चाहेंगे वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना। सो फाइनली, सपने देखोगे खुली आंखों से तो पूरे भी होंगे। बस आपको खुली आंखों से सपने देखने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना है। फाइनली इस तरह से आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, और जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे तो एक न एक दिन मैं भी आपको बुलाऊंगा और हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू करेंगे, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। फाइनली जाते जाते मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरा ये दूसरा सबसे बड़ा सपना कि मेरा खुद का एक ऑफिस हो बेंगलोर में वो पूरा होने जा रहा है। इनफैक्ट पूरा हो ही चुका है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ A2 मोटिवेशन जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और जिनकी वजह से हमारा आज बेंगलोर में खुद का एक ऑफिस भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर उसके बाद मेरी फैमिली जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आनंद सर और वेदांतु, वंशी सर, पुलकित सर जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया मेरे सपनों के लिए, और इसी अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो गाइज, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और इस चैनल को और A2 फैमिली को आगे बढ़ाते रहिएगा। और मैं A2 आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जितना सपोर्ट और प्यार आप लोगों ने दिया है मैं उसे दुगना चौगुना करके आपको लौटाने की कोशिश करता रहूँगा।